सही, बहुत खुश हूँ मैं आज। तय, जिंदगी ना एकदम ख्वाब सी लग रही है। ये ख्वाब नहीं है मारो, ख्वाबों की हसीन ताबीर है। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहली पहली शादी है। पहली शादी में तो मैं खुश ही नहीं थी, वो शख्स मुझे पसंद ही नहीं था, तो बस अम्मा ने पसंद कर लिया था और मैंने हाँ कह दी। देखो मारो, उस शख्स का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। उसका जिक्र करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, बहुत नफरत करती हूँ मैं उससे, तब भी करती थी जब वो मेरी जिंदगी में था। लेकिन हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होगी। इसी मोहब्बत के आसरे में तो आपका साथ दे रही हूँ, वादा कीजिए आपकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मारो, कभी भूल कर ऐसा सोचना भी मत कि मेरी मोहब्बत में कमी आएगी तुम्हारे लिए। एक बात सोच रही थी, आपकी अम्मी शादी पे मेरी अम्मी को क्या देंगी? क्या देंगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शायद आपको पता नहीं है, मगर जब भी शादियां होती है ना तो सास को चूड़ियां या कोई भी सोने की बड़ी अच्छी सी चीज को तोहफा दिया जाता है। आपकी अम्मी को मालूम होगा, उन्होंने कुछ सोच रखा होगा जरूर। अच्छा, अब हाँ शायद। वैसे भी आप तो अम्मी के इतने लाडले बेटा मानती हैं आपको, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे भी यकीन है कुछ अच्छा ही देंगे आप, है ना? मारूफ, जब हम एक दूसरे के साथ हो ना तो किसी और की बात मत किया करो, सिर्फ अपनी बात किया करो मुझसे। अम्मी की भी ना कर, नहीं अम्मी को पता चल गया ना इरादा बदल देंगी शादी का, बता रही हूँ मैं आपको। और कुछ मंगाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है। मैंने अपना चेहरा देखा कि कमजोर हो गई हो, पीला रंग पड़ गया हो, कुछ मंगवा लो ना। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको शहजाद का एडमिशन हो गया। शुक्रिया आपका। पता है ये सब जुबैर भाई की भाग दौड़ का नतीजा है। बहुत तारीफ कर रहे थे वो, शहजाद माशाल्लाह से बहुत काबिल बच्चा है। माशाल्लाह, हमेशा फर्स्ट आता है मेरा बेटा। आपको पता है, कहता है कि बोर्ड में भी पोजीशन लेगा। वैसे जो लोग अपना टारगेट सेट करके मेहनत करते हैं ना, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। अब एक बात पूछूं आपसे? जी जरूर। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी आप लोगों पर जो आप लोगों ने कराची से यहाँ शिफ्ट कर लिया? I'm sorry, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, जुबैर ने भी मुझे मना किया था, लेकिन I'm really sorry भाभी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, आप तो मोहसिन हैं हमारी। असल में खानदान में कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि हमें शहजाद को उस माहौल से बचाकर यहाँ लाना पड़ा। बहुत अच्छा फैसला किया है आप लोगों ने, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक बोलिएगा। नहीं, इतने दिनों से आपके इस फर्निश्ड घर में हम रह रहे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होने दे रही हैं आप। बस हुआ ये कि जल्दी से हमारा मकान सेल हो जाए ताकि हम भी यहाँ मकान खरीद लें। वैसे फरमान काफ़ी सारे प्रॉपर्टी एजेंट से रबते में है। भाभी आप परेशान मत हो, जल्दी कोई ना कोई सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। भाभी अब मैं चलती हूँ, मुझे ऊपर काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़।